उनकी बायोग्राफी लिखी है आपने जी, और उस पर आप काफ़ी बातें करते हो हर जगह जी, तो मुझे पहले उस पर बताओ कि इतना जब पढ़ा, इतना देखा, साथ में रहे जी, तो इंट्रैक्शंस के बाद वो कैसे लीडर हैं? व्हाट डू यू फील, व्हाट इज स्पेशल इन योगी आदित्यनाथ? देखिए, लोग टॉपिक पे महारत हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं। मैंने एक व्यक्ति पर रिसर्च करी है पिछले 6-7 साल और मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन किताबें हैं योगी आदित्यनाथ पर। नाउ वी कॉल इट योगी ट्रायोलॉजी। द फर्स्ट वन बीइंग द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, जो उनकी डेफिनेटिव बायोग्राफी है। दूसरी 5 साल बाद आई उनके काम को दिखाते हुए कि 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, जिसे हम राम राज्य से इक्वेट करते हैं, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। और तीसरी मैंने बच्चों, बच्चे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था संन्यास से पहले, सो अजय टू योगी आदित्यनाथ, जिसे ग्राफिक नॉवल। तो इन चारों उनकी उम्र नहीं देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज लीडर्स हु हैज स्पेंड 19 ईयर्स इन द पार्लियामेंट, फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब 26 साल की एक्टिव राजनीति, वो भी मतलब द हेड ऑफ द थिंग्स, राइट? ही इज अ पार्लियामेंटेरियन इन नेशनल पार्लियामेंट एंड इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, विच इज अ पॉपुलेशन 24 करोड़, और उनकी उम्र है केवल 51। मेरा ये दावा है, और मैंने अभी तक, मुझे किसी ने गलत नहीं प्रूव करा, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस यंगेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। आप मुझे कोई पॉलिटिशियन बता दीजिए जो 51 साल का हो और अपने देश की नेशनल पार्लियामेंट में रहा हो 19 साल, और किसी इतने बड़े सूबे का, इतने बड़े स्टेट का, प्रोविंस का, जो भी कहते हैं विदेशों में, उसका हेड रहा हो 6 साल, और जिसकी पॉपुलेशन 24-25 करोड़ हो ना, मतलब ही इज़ रूलिंग एट बिग मास। तो पहली बात, ही इज़ ए यंग पॉलिटिशियन, राइट? ही इज़ ओनली 51। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब वो लोकसभा से विधानसभा में गए, मतलब वो अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, और उस समय यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और उसके लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, यूपी के लड़के, और जीत गए योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जोक मारा जब वो अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, पार्टी स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में, कि राहुल जी मुझसे 1 साल बड़े हैं और अखिलेश जी मुझसे 1 साल छोटे हैं, मैं दोनों के प्लान्स के बीच में आ गया। मतलब विच इज़ फिगरेटिवली आल्सो ट्रू, ही वाज लाइक उनके एज उनके बीच में थी और उनके प्लान्स के बीच में मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो पहली चीज़, वो यंग पॉलिटिशियन है। मतलब राहुल गांधी यंग है, अखिलेश यादव यंग है, लेकिन उनसे 1 साल छोटा बड़ा आदमी यंग नहीं है, है ना? कभी कोई ये बोलता नहीं कि यंग चीफ मिनिस्टर बनाया मोदी जी ने, एक ना, पहली बात। दूसरी बात, ही इज़ अ वेरी 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 एक्टिव पार्लियामेंटेरियन व्हेन ही वाज इन पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट में जब आप एंगेजमेंट देखते हैं तो 4 या 5 चीज़ों से देखते हैं। पहली चीज़, उनकी अटेंडेंस क्या है, दूसरे, उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट में कितना पार्टिसिपेट किया, और कितने प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं। इन सब में डेटा उनका नेशनल एवरेज से ऊपर है। अगर नेशनल एवरेज 80 का है तो अटेंडेंस उनकी 84 है। राहुल गांधी की अटेंडेंस है 40-50, अखिलेश यादव की 33 लास्ट पार्लियामेंट में। अभिषेक बैनर्जी, जो ममता जी के भतीजे हैं, उनकी अटेंडेंस करंटली पता कितनी, 13%। 33 टिकट्स मिलते हैं फ्री एक हर सांसद को आने जाने के लिए, 33 टिकट मिलते हैं आने जाने के। और राहुल गांधी घर से साइकिल से जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट, इतना पास है इन लोगों के घर ना, तब भी आपकी 50% अटेंडेंस है। तो इस व्यक्ति की अटेंडेंस कितनी, 80%, 85%। ये पार्लियामेंट में 350 क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि नेशनल एवरेज भी 200-250 का है। और किससे पूछ रहा है? नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है, मतलब अपनी सरकार से पूछ रहा है कि गोरखपुर में एम्स कब आएगा, फर्टिलाइजर फैक्ट्री कब आएगी, जापानीज इंसेफ्लाइज का इंजेक्शन कब होगा। और सारे क्वेश्चन केवल कल्चरली ड्रिवन नहीं है, वो राम मंदिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 370 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट वो ये भी पूछ रहे हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंडिया इसराइल इलेक्शन की स्पीच सुन ली और कहा नहीं, योगी आदित्यनाथ तो कमिनल है। तो उनका बॉडी ऑफ वर्क जो पार्लियामेंट में, दैट्स एक्सटेंसिव। अब देखते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जो लाइफस्टाइल था पहले मठ में, जो अब इधर ट्रैवल हो गया है, ही गेट्स अप वेरी अर्ली, 3-3:30। बल्कि जैसे वो मुख्यमंत्री बने, एक जोक चला हमारे यहाँ यूपी में कि कौन जल्दी उठता है, मोदी जी या योगी जी, तो पता लगा योगी जी 10 मिनट पहले उठते हैं। मतलब मीनिंग बोथ ऑफ देम लिव अ वेरी 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 डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। फिर वो अपना अपना फ्रेश अप होकर अपनी पूजा पाठ करके वो शाम को सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं जनता दरबार लगाने। ये कब बैठ रहे हैं? जब मायावती चीफ मिनिस्टर हैं, जब मुलायम चीफ मिनिस्टर हैं, जब अखिलेश चीफ मिनिस्टर हैं। लोग किसके पास आ रहे हैं? इनके पास 200-300-400 लोग डेली आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि मुझे ठेका दे दो, पट्टा दे दो, पेट्रोल दे दो। प्रॉब्लम्स हैं, मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है पुलिस वाला, मेरी विधवा पेंशन नहीं मिली, मेरी अनाज मेरा सड़ गया, उसका मुझे जो मुआवजा है वो नहीं मिला। और वो पिछले 20-25 साल से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वो डीएम से बात कर रहे हैं, वो सीडीओ से बात कर रहे हैं, वो वन अधिकारी से बात कर रहे हैं। तो ही नोज कि लोगों को प्रॉब्लम आ क्या सकती हैं। सोचिए, मैं रोज 300-400 लोगों से मिल रहा हूँ पिछले 20 साल से, जब से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। ये वो सीख पार्लियामेंट में सीख किस तरह है, अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जब वो बड़े हो रहे हैं तो ये बिल्कुल 26 साल के एक युवा की तरह गए। ही वॉज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन देन। तो पार्लियामेंट में भी और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। अब आखिरी पॉइंट आता है, लोगों का ये सब तो ठीक है, लेकिन यार वो तो पंडित जी एंड ऑफ द डे, पंडित जी घंटी बजाते हैं, उनको क्या आता है? नो, मठ रन्स सम
हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 40 तो उनके स्कूल चलते हैं, उनका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलता है, उनका नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलता है, उनका 300-400 बेड का हॉस्पिटल चलता है, एंड ही इज रनिंग इट व्हेन ही वाज 22। जब उन्होंने संन्यास लिया था तब से बड़े महंत ने, मतलब महंत अवैधनाथ ने सारा काम इनको दे दिया था, तो ही इज रनिंग लाइक ए सीईओ। चेक साइन हो रहे हैं, हायरिंग चल रही है, फायरिंग चल रही है, बिल्डिंग बन रही है। अगर मैं आपको एक स्कूल चलाने को दे दूँ ना 5,000 बच्चों का, आपका पूरा जीवन खप जाएगा उसी में, उनके बच्चों के प्रॉब्लम, टीचर की हायरिंग, प्रिंसिपल का करिकुलम, एग्जाम, CBSE से बात, इससे बात, वो, एंड ही इज रनिंग हंड्रेड्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशन सिंस ही वाज 22। और अब तक, अब तो उन्होंने बहुत सारे चार्ज किसी किसी को दे दिए बिकॉज ही चीफ मिनिस्टर, वो कभी महीने में एक बार आ पाते हैं और थोड़ा ओवरव्यू कर पाते हैं। पार्लियामेंट में एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको दोनों को समझ थी, वो साइंस के बैकग्राउंड से आए थे, उन्होंने BSc पढ़ी थी, MSc ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी, बीच में छोड़ के आनी पड़ी, फिर यहाँ पर उन्होंने वैदिक एजुकेशन भी पढ़ी। तो ही इज़ अ अमेजिंग मिक्सचर ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन, वेरी एक्टिव इन पार्लियामेंट, यंग, अंडरस्टैंड द सोसाइटी, ये सबका कॉम्बिनेशन योगी आदित्यनाथ है। जो एक दो स्पीच सुनते हैं वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, जो मीडिया ने बनाने की कोशिश करनी, अरे तो भगवा है, ये तो हार्ड लाइनर है, ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज योगी आदित्यनाथ। तो ये मेरी किताब का सार है कि दिस ऑल इज योगी आदित्यनाथ, और वो दिखा भी हमें पिछले 5-6 साल में, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में, सड़कों में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, जैसे कोरोना हैंडल हुआ, WHO से लेकर यूनिसेफ तक सब ने प्रेस करा योगी आदित्यनाथ को। ऑस्ट्रेलिया के MP ने कहा कि क्या हम योगी आदित्यनाथ को लोन कर सकते हैं अपनी कंट्री में टू सॉल्व कोरोना, जहाँ पे दंगे होते हैं वहाँ पे उनका एग्जांपल दिया जाता है, बुलडोजर इज बिकम लाइक अ टूल नाउ, राइट। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखा भी दिया है कि ही इज नॉट जस्ट, क्योंकि उनको भगवा पहना है इसलिए नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने जिसने भी चुना, इसलिए चुना क्योंकि बिकॉज ही रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस, ही कम्स विद अ वास्ट एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई ही इज देयर। कौन सी एज में जीते थे फर्स्ट चुनाव? देखिए पहला वो चुनाव हार गए थे, वो था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का चुनाव, जब वो मतलब पहले बार पॉलिटिक्स कब ज्वाइन, पॉलिटिक्स के जो फॉर्मल पॉलिटिक्स के चुनाव में वो 26 साल के थे, बीजेपी 26, ही वॉज 26, द ईयर वॉज 1998, और अटल बिहारी वाजपेयी उस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो उनकी वो कैबिनेट में नहीं थे लेकिन उस समय वो भी संसद में थे। और एक स्पीच काफ़ी वायरल हो रही है आजकल, जो वो पतले से हैं बिल्कुल, उन्होंने पगड़ी लगा रखी है और संस्कृत में स्पीच ले रहे हैं, संस्कृत में ओथ ले रहे हैं वो पार्लियामेंट की। तो हाँ, उनकी उम्र 26 साल थी और आज वो क्या हुआ है। थैंक यू, ये क्लिप एंड तक देखने के लिए, इनसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।